अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा हमारा टॉपिक है कोनी फिरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट के बारे में है। तो बेटा कोनी फिरस ऐसे पौधे जिनके ऊपर कोन्स पाई जाती हैं, अल्पाइन जो बुलंदियों पे हैं और बोरियल का मतलब अतराई होता है। अब बेटा ये पाकिस्तान में जंगलात कहाँ पर पाए जाते हैं? इन पाकिस्तान दीज फॉरेस्ट पाए जाते हैं अपर कगार में, वादिये दीर में, चिल्लास, मालम जब्बा में, इन स्वात वैली में पाए जाते हैं। वर्ल्ड में ये स्ट्रेच हुए हैं अक्रॉस यूरेशिया, यूरोप और एशिया में हैं, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, कनाडा जस्ट साउथ ऑफ टंड्रा, और कनाडा में टंड्रा के बिल्कुल जनूबी इलाके की तरफ पाए जाते हैं। नादरन कॉनिफर्स फॉरेस्ट को हम टैगा का भी नाम देते हैं, ये बेटा एमसीक्यू में भी आ सकता है। कंडीशन अगर हम बात करें, क्लाइमेटिक कंडीशन का हेडिंग बनेगा यहाँ पे। टैगा के अंदर जो होती हैं ज़्यादा हार्शल होती हैं, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट की नस्बत। विंटर लंबा भी होता है, ठंडा भी होता है और ग्रोइंग सीजन बहुत ही शॉर्ट होगा। द फ्यू मंथ्स ऑफ वार्म वेदर आता है जिसके दौरान प्लांट की जो है वो ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है। एज आ रिज़ल्ट नतीजतन इस इलाके में सदाबहार ट्रीज जो हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, आलमोस्ट इंटायरली विद स्मॉल वैक्सी नीडल। इनके ऊपर छोटे बारीक पत्ते होते हैं और वैक्स उनके ऊपर चढ़ी होती है ताकि वाटर को लॉस को बचाया जा सके। और ये जो वैक्सी कोटिंग है और स्मॉल सरफेस एरिया है उनका नीडल्स लाई का, ये रिड्यूस करता है वाटर के लॉस को वेपोरेशन से जब मौसम सरमा में ठंड होती है। एंड लीव्स जो है सारा साल दरख्तों के ऊपर पाए जाते हैं। वो कोनीफेरस फॉरेस्ट जो हाई आल्टीट्यूड बुलंदी के ऊपर पाए जाते हैं अल्पाइन कहलाते हैं, और जो लैटीट्यूड के ऊपर पाए जाते हैं उसको हम बोरियल का नाम देते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है इस इलाके के अंदर स्नो कवर और टेम्परेचर के बारे में है। तो कहते हैं देर आर कॉन्स्टेंट कवर ऑफ स्नो, बर्फ रहती है जिसके साथ साथ सीवियर मौसम सरमा होगा। टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्लांट और एनिमल लाइफ के वाले से बात करें, चूंकि हार्श क्लाइमेट है और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज मच लो, यानी जिंदगी बहुत कम होती है इस इलाकों में, कम लोग जानदार पाए जाते हैं। लार्ज मैमल जिसमें जंगली भैंसा है, वोल्फ है, ब्लैक बियर है, डियर है, मार्क पोलो शीप है, एंड स्मॉलर एनिमल में जैसा कि कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल हो गई, स्नो शू हेयर हो गया, वॉल्वराइन हो गई, क्रॉस बिल्स वगैरह पाए जाते हैं। प्लांट लाइफ में क्या है जी, पाइनस विली चियाना चीड के रखते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गी हो गया, एबी स्पिंड्रो है, पाइकिया स्मिथी एना है, और डिव और जो है सिड्रस देवडारा स्नोबर के दरख्त पाए जाते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है ड्यू टू सिवियरिटी ऑफ क्लाइमेट, चूंकि एक तो यहाँ पे शदीद किस्म की आबो हवा है, एंड रिमोटनेस ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉनिफर्स फॉरेस्ट बहुत ही दूर पाए जाते हैं, इसलिए रिमेन्स अनडिस्टर्ब। लेकिन इंसान ने फिर भी इन फॉरेस्ट को, चूंकि ये मेजर सोर्स ऑफ लंबर है कंस्ट्रक्शन के लिए, इसलिए इसको फिर भी ख़त्म किया जा रहा है, और सो हैव बिन क्लियर्ड इन द वर्ल्ड। अब इसको दुनिया में क्लियर किया जाने लगा या किया जा चुका है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम के हवाले से बात करेंगे। ओके अल्लाह।